नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर 2 कप राइस लिए हैं जो बासमती राइस है। सबसे पहले मैं इसको 3 पानी धो लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं इसको पानी में भिगाने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मैंने राइस धो के ले लिए थे, मैं इसको 20 मिनट के लिए भिगाने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम कर लेते हैं सारी सब्जियों की तैयारी। सारी सब्जियों को मैंने यहाँ पर ले लिया है। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, बारीक कटी गाजर, बारीक कटी पत्ता गोभी, बारीक कटी बीन, 1 बड़ा प्याज और 2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लिया है। आप सब्जियां अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस पे पानी चढ़ा के पैन ले लिया है। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सिरका डाल देंगे, आप चाहें तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच हम यहाँ पर तेल डाल देंगे, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। पानी में उबाल आने पर हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि सारे तेल, नमक और सिरका अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें सारे चावलों को डाल देंगे। 5 से 7 मिनट हमें चावलों को पका लेना है। हल्के हाथों से हम इसे 1 या 2 बार चला लेंगे। चावल पक चुके हैं जितने हमें चाहिए, हाथ से तोड़ के हम देख लेंगे। अगर आसानी से टूट जा रहे हैं इसका मतलब चावल पक चुके हैं। चावलों को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। अब एक छन्नी में चावल डाल के उसका सारा पानी हमें निकाल लेना है और उसको हल्के हाथों से पलट लेना है, और फिर पानी निकलने के बाद हमें उसे एक प्लेट में निकाल देना है। अब एक प्लेट में सारे चावलों को हमें निकाल लेना है और इनको अच्छे से फैला लेना है। फ्राई राइस के लिए चावल यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं। चावलों को हमें अच्छे से फैला लेना है। आप चाहें तो रात को चावल पका के तैयार करके आप उसे सुबह नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, या सुबह तैयार करके दिन में या शाम में यूज़ कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो उसके लिए मैंने गैस पे पैन को रख दिया है। मैं उसमें 2 छोटा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। ऑयल हमने डाल दिया है। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें काजू डाल लेंगे और काजू को हल्का ब्राउन होने तक, आप चाहें तो काजू को स्किप भी कर सकते हैं। हम सारे काजू निकाल लेते हैं। इन काजुओं को लास्ट में हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। फ्राई राइस पे काजू की गार्निशिंग बहुत ही सुंदर दिखती है और बहुत ही स्वादिष्ट काजू बनते हैं। इतने से ही ऑयल पे हम अब फ्राई राइस के तड़के की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं करी पत्ता डाल देती हूँ और इसे हल्का सा चला लेती हूँ, और इसमें ही 2 चम्मच जीरा डाल दूँगी। जीरे से फ्राई राइस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो जीरा हमें ज़्यादा डालना है। और जीरे के हल्के ब्राउन होने पर हम उसमें डाल दे रहे हैं चॉप्ड लहसुन और अदरक, वो भी हमने डाल दिया है। उसे हल्का सा फ्राई करने पर मैं उसमें बारीक कटी प्याज डाल देती हूँ। इसके बाद हम इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, बीन, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। अब हम इनको अच्छे से चला लेंगे। मैं इस पर थोड़ी सी अदरक और डाल देती हूँ। अदरक डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा अदरक डालनी है। आप अगर अदरक पसंद नहीं करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। सब्जियाँ हमने अच्छे से चला ली हैं। अब मैं इस पर डाल रही हूँ 1 चम्मच सोया सॉस और उसको भी पूरी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारे फ्राई राइस में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
सोया सॉस हमारे फ्राइड राइस को अच्छा कलर भी देता है। उसके अलावा मैं इस पर आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। हमें फ्राइड राइस पे नमक को बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, हमें इस पे लाइट नमक ही रखना होता है। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च हमें आधा चम्मच लगभग डालनी है और उसको भी पूरी वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इस पे एक चम्मच चिली पेस्ट और इसको भी वेजिटेबल्स में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें वेजिटेबल्स को बस हाफ कुक ही करना है क्योंकि हमारे चावलों के साथ भी हम वेजिटेबल्स को 5 मिनट के लिए पकाएंगे। सारे राइस को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे सब्जियों में मिक्स करते रहना है। अगर हम सारा राइस एक साथ डाल देंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इस पर थोड़ा सा विनेगर, जिससे फ्राइड राइस का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और उसके साथ ही हम इस पर लगभग 10 से 15 ग्राम बटर भी डाल देंगे क्योंकि हमने ऑयल इस पर कम डाला था, लेकिन बटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए हमारी फ्राइड राइस यहाँ पर तैयार है, हमको बस इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। और इसमें हम डाल देते हैं खूब सारा धनिया अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि धनिए से इसका कलर और स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए यहाँ पर हमारा फ्राइड राइस पूरी तरीके से बन के तैयार है और ये कितना यमी लग रहा है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी बहुत बेहतर वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।